हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं विकेट एक टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप ये जो देख रहे हैं, ये इस तरह की वीडियो हम कैसे बनाएं। जो आपने कभी पोस्टर्स देखे होंगे, बहुत तरह के पोस्टर्स आते हैं जो सॉन्ग्स में, और बहुत तरह की जो वीडियोज़ होती हैं वो हम कैसे बनाएं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो आपको भी बनाना हम बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो कैसी बनी है, फिर आप देख लीजिए कैसी क्या बनी है वीडियो। चलो मैं वीडियो के स्टार्ट कर लेता हूँ। कौन दैवी प्रसाद ये दैवी प्रसाद का घर नहीं है। फ्रेंड्स, इसको बनाने के सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो चाहिए बहुत सारी, जो इसमें मैंने चीज़ें अंदर पेस्ट करी हैं, तो अगर वो भी आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, तो फिर मैं उसको क्या करूँगा, अलग से उसकी मैं आपको वो बना के दे दूँगा वेबसाइट पे। तो अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर आपको देखनी है पूरी वीडियो, तो ये वीके टून टीवी चैनल पे मिल जाएगी। और इसी वीडियो ये जो, और इस वीडियो का जो गाना है वो सब उसी चैनल का बना बनाया है, तो इसलिए कॉपीराइट का कोई हमें टेंशन नहीं है इस पर। तो मैं फटाफट अब बात कर लेता हूँ वीडियो की, कैसे क्या करनी है वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फ़र्स्ट लेयर ले लेनी है, जो हमारी वीडियो की लेयर है जो हमने एडिट करके रखी है पहले की, जो उस वीडियो की फुल लेयर में से हमने थोड़ा सा काटा है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमने ये वाली लेयर ले ली, देख सकते हैं आप, मैंने ये वाली लेयर ले ली। अब इसको मैंने बीच में सेंटर में लगा के थोड़ा सा इधर से गया, और ये जूम का सेक्शन से, और मैंने इसको बड़ा करके ये फ्रेम पे सेट कर दिया है। आप भी ऐसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने एक फ़ोटो ली, जो एक फ़ोटो थी आप देख सकते हैं, जो ये ऊपर की जो फ़ोटो देख रहे हैं आप, फिर मैंने ये फ़ोटो ली और इसको ऐसे फ़ोटो को मैंने उठा के जस्ट जो ये है इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया फ़ोटो को। अब फ़ोटो को रखने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद की चीज़ें लेनी है। तो इसके बाद हमें एक फ्रेम और चाहिए, तो एक और फ़ोटो है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं फ्रंट में लेकर आता हूँ। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, इस फ़ोटो को मैंने बिल्कुल जस्ट जो ये है फ़ोटो, इसके नीचे रख दिया, इसके नीचे लगा दिया बराबर। और इसको यहाँ से ये जो थ्री डॉट्स का ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक में क्लिक कर दे रहा है मैं। इसके बाद फिर ये पीछे चली गई। फिर मैंने इसमें एक ब्लर का सेक्शन लिया है, जो इस जिसमें मैंने क्या करा है, इसको जो नीचे का हिस्सा है इसको मैंने कर दिया है ब्लर, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसको हटा के दिखा देता हूँ, मैं इसको बैक में कर देता हूँ, सबसे बैक में। तो ये एक ब्लर का सेक्शन है, अब इसे मैं फ्रंट में कर लेता हूँ। ये मैंने ब्लर का सेक्शन लिया है, इसको ब्लर का सेक्शन लिया है। ब्लर का सेक्शन लेने के बाद फिर मैंने इसके अंदर क्या करा है, फिर मैंने एक टेक्स्ट लिए, पहला जो टेक्स्ट है आपको दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको, जो एक टेक्स्ट लिया है मैंने जो सबसे ऊपर है, कहाँ गया, हाँ ये कौन देवी प्रसाद। तो ये कौन देवी प्रसाद का जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये मैंने इसमें से जो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से जाके ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन से आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने लिखा है कौन देवी प्रसाद, ऐसे करके मैंने इसमें लिख दिया है। अब उसके बाद फिर मैंने लिख दिया है फिर कौन देवी प्रसाद का, फिर मैंने उसके ऊपर इधर से ये जो ए बना हुआ है बॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके मैंने इसमें ये जो बॉट नॉट बॉट ये बोल्ड कलर में मैंने इसको फिक्स कर दिया है। उसके बाद फिर ये करने के बाद फिर मैंने इसके नीचे जो है एक और, मैंने जो अलग मैंने दूसरे अपने जो पिक्सल में इसमें मैंने इसको एडिट करा था, इस फ़ोटो को मैंने जो है इसमें लेके आके सिंपली से रख दिया है और एक जगह पे एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने एक और फ्रेम का इस्तेमाल करा है, जो है वीडियो इज़ अपडेटेड, न्यू वीडियो इज़ अपडेटेड, जो आप देख रहे हैं ये इधर पे लिखा हुआ है न्यू वीडियो इज़ अपडेटेड, इसका जो इस्तेमाल है ये मैंने करा है, देख सकते हैं आप। तो ऐसे मैंने इसका भी इस्तेमाल कर दिया है, इसका इस्तेमाल करा है, और इसमें भी मैंने जैसे सेम मैंने जो बताया वही लिखा है, वैसे ही लिख के इधर साइड से ये जो इधर का ऑप्शन है इधर से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है वाइट कलर, और नीचे जाके आउटलाइन कर दी है जिससे वो थोड़ा डार्क दिखने लगा है। इसके बाद फिर यूट्यूब के बारे में, जो हमारा यूट्यूब का है, जो इधर पर यूट्यूब का दिया यूट्यूब वीके टेक टीवी, ये भी मैंने ऐसे ही करा है, सेम टू सेम उसी तरह किया गया है। अब इसके बाद फिर अब मैंने क्या करा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है इसमें मैंने जो इन का ऑप्शन है, इस इन वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, और इन वाले पे ऑप्शन पे जाने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ, इधर पे लिखा है राइट अ लेटर,
अब राइट अ लेटर पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्या आएगा, लेटर के हिसाब से अपने आप आएगा। आप देख लीजिए जो हमारी जो फाइनल वीडियो है बन के, वो आउटपुट कैसा क्या आ रहा है। और सबसे लास्ट में जो मैं बताना भूल गया आपके, ये मैंने एक आप देख सकते हैं यहाँ से लेयर में जाने के बाद ये जो ओवरले है इसमें मैंने एक फ्रेम डाउनलोड करा है जो ये गया सब लाइन स्पीक। तो इसमें मैंने जो ये वाला फ्रेम है ये वाला मैंने इस्तेमाल करा है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है आप देखिए, धीरे धीरे नीचे से, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, ये जो लाइट का एक अलग ही इफ़ेक्ट्स दे रहा है वो इसी से आ रहा है। तो मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ एक बार वीडियो पूरे को पूरी। आप देख सकते हैं पूरा बनने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, पूरा बनने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का फ्रेम दिखाई देगा। और अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, इस चैनल का नाम है वी के टून टीवी। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कौन देवी प्रसाद की मीम्स में बना हुआ है। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और हम बने रहिए ऐसे, आगे आने वाले टाइम पर मैं और भी चीज़ें इसमें बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।